सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक्वादी ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय माता दी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल से नवरात्र स्टार्ट है। कौन कौन फास्ट है, शायद बहुत सारे लोगों का फास्ट होगा। फास्ट नहीं भी होगी तो बहुत सारे लोग, सारे लोग ही पूजा करते होंगे। मेरा भी फास्ट है, मैं पूरे 9 दिन का फास्ट रहती हूँ। पिछला फास्ट नहीं रह पाई थी, किसी की डेथ हो गई थी फर्स्ट डे ही फैमिली में, तो किसी नहीं रह पाई थी इस वजह से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूतक लग जाता है तो फिर पूजा पाठ होती नहीं है, तो फिर कैसे करती, दिया जलता तो सब कुछ करना पड़ता है पूजा पाठ का। तो पिछली बार नहीं रह पाई थी, तो नवरात्रे आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि माता रानी आ रही है हमारी, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है हर जगह। आप कहीं भी जाइए बाहर मार्केट में, तो बस बहुत सारा सामान है, पूजा का कुछ सारा चीज़ है। तो कई बहुत सारे लोगों को और मुझे भी इंतज़ार था नवरात्रि का। याद है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ स्पेशल आया है, तो माता रानी करे सबका दिन अच्छे जाए, सबके घर खुशियाँ आए और सबकी हेल्थ अच्छी रहे। बट पता नहीं क्या है 2024 कैसा है, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या लेके आया है, या भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा है। अभी मम्मी कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग डाला था कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, यहाँ हमारे पास नोएडा में थी वो। हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था, सारे चीज़ें उनके टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। बट उनका टेस्ट की रिपोर्ट जो आई उसमें कुछ भी नहीं आया, लीवर में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था। ब्लड टेस्ट में भी ब्लड उनका बहुत कम था, 6 पॉइंट था, तो ब्लड भी चढ़ाया गया। उसके अलावा उनके फीवर का रीज़न नहीं पता चल पाया कि क्यों हुआ है, यहाँ तक कि सारे टेस्ट हो गए थे, सिर्फ लास्ट टेस्ट बाकी रह गया था जो कि बोन मैरो का था, वो जो कि अभी नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद वो चले गए, हमारे होम टाउन है जो, वहाँ पे रहते हैं मम्मी डैडी। हस्बैंड की जॉब की वजह से हमें यहाँ रहना पड़ता है, तो हम यहाँ पे हैं। वो बहुत बोल रहे थे जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि हमें जाना है जाना है, घर भी देखना है, घर पे कोई भी नहीं। तो हमने बोला ठीक है आप चले जाइए, तो वो चले गए थे। बट अभी कल से उन्हें फिर से स्टार्ट हो गया है वापस से फीवर आना। फीवर के अलावा उनको वॉमिट हो रही है, वॉशरूम बहुत ज़्यादा, लूज मोशन हो रहे हैं। हाँ बेटा लगा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा उन्हें लूज मोशन हो रहे हैं, पता नहीं क्या इशू हो गया है। तो अब अर्जेंट में हम यहाँ से नहीं जा सकते, हम यहाँ से ऐसे अर्जेंट में नहीं निकल सकते। बच्चा है, ऑफिस है, सब कुछ है, तो ऐसे कैसे निकल सकते हैं, आपको भी पता है। निकलते भी तो बहुत टाइम लगता पहुँचने में, और बहुत टाइम लगता पहुँचने में हमें, तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है डैडी चले जाते हैं लेके उन्हें। तो हमने यहाँ से कैब बुक कर दी थी, तो वो चले गए। जब अब वो चले गए दिखाने के लिए डॉक्टर, शायद वो एडमिट करेंगे कानपुर में, क्या करेंगे अभी नहीं पता है। बट उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पता नहीं कैसा है 2024। इधर हम इधर झेलते हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे, और इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, 1 मंथ से फीवर आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। सो गाइस, मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूजा की, और हम बात कर रहे थे कि मम्मी का जो चल रहा है इस ईयर, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से समझ नहीं आ रहा है। पहले 1 महीने पहले फीवर आता रहा उन्हें, वॉमिट वगैरह, यहाँ किसी तरह ठीक हुई तो वापस से स्टार्ट हो गया। अभी पता नहीं उन्हें वापस से वही सेम चीज़ स्टार्ट हुई है या डायरिया हो गया, नहीं पता। गए हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हैं, बॉडी वीक हो चुकी थी, उन्हें बैठने तक हिम्मत नहीं थी 10 से 15 मिनट के अलावा। तो पता नहीं, बस प्रे कर रही हूँ भगवान जल्दी सब ठीक करिए, पता नहीं क्या चल रहा है उनकी एज। मैं जानती हूँ भगवान, ऐसा लगता है बुढ़ापा कभी ना आए, हमारा भी आएगा, सभी का आएगा, और बुढ़ापा कभी कभी बहुत तकलीफ देता है, 100 बीमारियाँ लेके आता है। तो बस आप सबके साथ यही शेयर कर रही हूँ। आप सभी सोचेंगे कि ऐसे टाइम में मैं क्यों नहीं गई, और मुझे जाना चाहिए था, और मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। बट कुछ होते हैं सिचुएशन जो मैं अर्जेंट में हम नहीं निकल सकते। हमें भी नहीं पता था कि उनकी इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। हम सुबह से लगातार उन्हें फ़ोन कर रहे थे, अभी ठीक है, अभी ठीक है। उन्होंने भी इतना नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर मुझे भाभी से पता चला, अपनी वहाँ कानपुर होम टाउन में जो बगल में रहते हैं घर उनका है, उनसे मालूम पड़ा कि अब वो बहुत ज़्यादा उनके सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो हम सबने बोला कि आप लेके जाइए और दिखाइए। तो गए हैं, शायद एडमिशन होगा, क्या होगा पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ऐसा लगता है कि बस कल से कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी ढंग से खाना पीना नहीं हो रहा है, सब बहुत परेशान हैं। और ऐसा लगता है क्या करूँ, बस मैं अभी चली जाऊँ। बट होता है, बच्चे का स्कूल है और हस्बैंड की ऑफिस है, तो हस्बैंड का ऑफिस रहता है, तो उसकी वजह से वो भी सब देखना पड़ता है। समझ नहीं आता क्या करूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करते। लोग कहते हैं ना कि अच्छों के साथ अच्छा होता है, पर ये कैसा अच्छा है मुझे समझ में नहीं आता। बस भोलेनाथ पे विश्वास है, माता रानी पे, कि शायद माता रानी आए और सब कुछ ठीक करें, उन्हीं पे भरोसा है। तो गाइस इसे मैं बताना चाहूँगी, हाँ मैं इसमें सैम्पल वीडियो डाल सकती हूँ, बट अभी प्रॉपर अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी हम प्रॉपर अभी खुद भी नहीं वो देख पाए हैं। तो जो हमने घर बाय किया है, अपना ड्रीम होम कह लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना अपना घर अपना होता है, तो हमने यहाँ पर जो घर लिया है
उसका मैं सिर्फ आपको एक डेमो फ्लैट कह सकते हैं, मैं वो दिखा सकती हूँ। बाकी जब पूरा वर्क हो जाएगा सब कुछ, हम वहाँ पे जो फंक्शन करेंगे तब उसका ब्लॉग ज़रूर डालूंगी मैं। तो गाइज़ आप देखिए कि कैसा है और कैसा लगा, आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे।